दोस्तों मानता हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या तुम में दम है बिना पढ़ाई के कुछ उखाड़ने की? क्रिकेटर बन सकते हो, एक्टर बनने की क्षमता है, जज्बा है बिजनेसमैन बनने की, 100 रुपए को मिलियन डॉलर में बनाने की, दम है 9 सेकंड में 100 मीटर भागने की। क्या किया है तू कोई प्लानिंग जिससे तुझे पढ़ना न पड़े? कहते हो पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, लगता है कि पढ़ाई एक बोझ है। अगर आपके पास पढ़ाई न करने के 100 बहाने हैं तो थोड़ा और सोचना, पढ़ाई करने के 1000 बहाने मिल जाएंगे। एक सबसे बड़ा कारण ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम भी पढ़ो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, पैसा कमाओ, माँ बाप को अर्ली रिटायरमेंट दो, नाम कमाओ, दूसरों से आगे बढ़ना, ये सब तुम्हारे अधिकार है। क्या आपका ये अधिकार नहीं कि आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जियो? क्या आपका ये अधिकार नहीं कि आपके पास भी कार हो, बंगला हो, सारी सुविधाएं हो जिसके लिए आप दूसरों पे डिपेंड होते हो? आज अगर आप केयरफुल बनोगे पढ़ने के लिए, तभी तो कल सक्सेसफुल बन पाओगे। रिमेम्बर, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, बाई यूजिंग यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड। आज आप गरीब हो, स्टडी हार्ड, आज आपकी बात कोई नहीं मानता, स्टडी हार्ड एंड प्रूव योर नॉलेज। आज हर कोई आपका मजाक बनाता है, स्टडी हार्ड एंड बिकम पावरफुल। आज आपके पास कोई खड़ा होना नहीं चाहता, स्टडी हार्ड एंड बिकम ए हार्ड पिलर, सो अदर कैन टेक योर सपोर्ट टू स्टैंड। बी ए लीडर, एंड लीडरशिप कम फ्रॉम नॉलेज, एंड नॉलेज उन किताबों से आता है जिसको तुम अपना दुश्मन मानते हो, उस दुश्मन को अपना दोस्त बनाओ। दम लगा के पढ़ाई करो, चाहे कितनी भी मुश्किल लगे, चाहे उसमें तुम्हारा पूरा टाइम चला जाए, चाहे रात भर जग के पढ़ाई करनी पड़े, तब वो सक्सेसफुल वाली फीलिंग आएगी। क्या दिखता है अपने चेहरे पर, एक लूजर या एक जिद्दी? जो आपको अभी नजर आ रहा है वही अगले 5 साल 10 साल में होने वाले हो। ये एक चमत्कार ही है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं पढ़ नहीं सकता, तो सच में नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप सोचते हो कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो नहीं कर पाओगे। अगर आप कहते हो कि हमें किताब उठाते ही नींद आ जाती है, तो सच में नींद आ जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। दोस्तों पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट कोई भी प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक हम उसे प्रॉब्लम समझ नहीं लेते। तो सुबह उठो तो एक डिटर्मिनेशन के साथ, व्हेन यू वेक अप विथ डिटर्मिनेशन यू कैन स्लीप विथ सेटिस्फेक्शन। कोई बच्चा बचपन से इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट नहीं होता, बल्कि फोकस करके, सुन के, समझ के, चीजों को ऑब्जर्व करके और उसे यूज करता है, तो उसे दुनिया स्मार्ट कहती है। दोस्तों रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता, पर सही से फोकस के साथ एक ही लक्ष्य पर काम किया जाए तो एक दिन जरूर मिलता है। तो अपने बहानों को साइड में रखकर पढ़ाई करो, क्योंकि जिन्होंने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया उन्हें ही गूगल पर सर्च किया है। तो आओ कुछ बड़ा सोचते और करते हैं, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।